अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद पिजन। दोस्तों, आप सबको पता है कि टूर्नामेंट और बाजियों का आगाज़ हो चुका है। ये जो अपना असोच की, तो राशिद भाई जो है ना, जो हमारे शागिर्द हैं और दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की उस्ताद जी गर्म पानी बना के दें। ठीक है, गर्म पानी तो हर बंदे को आता है और बड़े बड़े अच्छे अपना गर्म पानी है। हमने जो सीखा है उस्तादों से, बड़ा सिंपल तरीके का गर्म पानी है, वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे और थोड़ा सा बीच में पर्दा भी हम रखेंगे। वो पर्दा जो है वो आपको वो बताएंगे चीज़ क्या है, लेकिन इस्तेमाल का तरीक़ेकार हर किसी का अपना अपना होता है। हम गर्म पानी किस चीज़ का बनाते हैं, बहुत सिंपल है। ये बड़ी इलायची के दो दाने आपने ले लेने हैं और दो टुकड़े ये आपने दालचीनी के ले लेने हैं। ठीक है, आप इनको आपने बनाना किस तरीके से है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बड़ी इलायची जो है इसको आपने, इसके खाली दाने नहीं निकालने, इसको ऐसे खोलना दाल के साथ। इसको आपने ये देखें इस तरीके से, ऐसे बस इसको ना खोल देना है और जब आपने पानी में डालना है इसको छिलके समेत डालना है। ये ले, हमने दोनों रख दिए। ये दो टुकड़े दालचीनी के हैं। अब कितना पानी डालना है वो भी हम आपको दिखाते हैं और क्या सूरत हाल है हमारे साथ। किचन में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने लेना है तकरीबन एक गिलास पानी, ये देखें आपके सामने। ये हमने डालना है इसके अंदर, करके थोड़ा सा पानी ओढ़ लेंगे, एक गिलास पानी का ओढ़ लेंगे हम। ये पानी डाल दिया, उसके बाद आपने ये देखें ये दो दालचीनी के दाने खोल के ये डाल दिए और ये दो टुकड़े दालचीनी के डाल दिए। ये डाल के आपने अच्छी तरह पकाना है इसको। ये हम चूल्हे पर रख देंगे, ये दोस्तों चूल्हे पर रखना है पानी पकने के लिए। ये अच्छी तरह जब इसका असर निकल आएगा उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, कि जो थोड़ा सा पर्दा है, जो भी उस्तादों ने इजाज़त नहीं दी हमें पब्लिक करने का, शेयर करने का, ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल जो है हमने पानी में ऐड कर देना जब सारा बन जाएगा। उसके बाद हमने रात को तकरीबन 8 बजे 5-5 cc फी कबूतर को दे देना। आज जो पानी करेगा क्या, सबसे पहले जो जिस्म में कुंदों के अंदर अगर पानी है कबूतरों के, वो हुश करेगा, कबूतरों का जिस्म खुलेगा, उनको पसीना आएगा, जिस्म खुल जाएगा। उसके अलावा उनका कुंदा जो है अपना तेज चलेगा, थके हुए पार नहीं मारेंगे कबूतर। ठीक है, उसके अलावा उनका मैदा ज़्यादा वर्क करेगा, जो चीज़ खाएंगे जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि बड़ी इलायची जो है वो जिस्म को खोलती है। उसके अलावा दालचीनी का ये कमाल होता है कि अगर जिस्म के अंदर कोई दर्दें हों, जिस्म थकावट में फील कर रहा है या दर्द महसूस कर रहा है, दर्द को चुनती है दालचीनी भी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एंटीबायोटिक होता है। तो ये हमने पानी तैयार करना है, ये हमने 5 cc हमने देना नीट, और उसके अंदर अगर हमने 5 cc सादा पानी ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 10 cc पानी हमने रात को 8 बजे देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अभी पानी तैयार हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में। तो लोई दोस्तों, ये गर्म पानी हमारा बड़ा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, पूरा पक रहा है। ये देखें अच्छे तरीके से ये इसका असर निकला है। अब हमने जितना ये पानी चाहिए वो निकाल लेंगे हम। लोई दोस्तों, माशाल्लाह ये देखें पानी तैयार हो गया मुकम्मल। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर हमने 1.5 गिलास पानी का बर्तन में डाल के पकाया है। अब बकाया आधे से भी रह गया कम, मतलब 1 गिलास पूरा सूख गया पानी का, उसके आधा जो डाला उसमें से भी थोड़ा कम हो गया, इतना पानी रह गया देखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके अंदर ये कैप्सूल डालना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो दोस्त मेरे साथ मुकम्मल वीडियोस मेरी देखते रहेंगे, जो कमेंट लाजमी किया करेंगे मेरी वीडियोस में, उनको पर्सनली फिर जो है ना मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको ये पूरा नुस्खा बता भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, अब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमने अब ये करना है, ये कैप्सूल खोल के इसके अंदर हल कर देना है। ये देखें, अब ये कैप्सूल हमने इसमें खोल के ये बीज में हमने ऐड कर देना है। ये सारा काम इस कैप्सूल का है। ठीक है, ये कैप्सूल हमने हल कर देना बीच में अच्छी तरीके से, ये देखें। ठीक है, इसके अंदर अच्छी तरीके से ये खुद ही अभी मेल्ट हो जाएगा, इसको हला दें, ये देखें। ये पता भी नहीं चलना आपको कि इसके अंदर हमने क्या डाला है। ठीक है, ये बस छोटे से जो है ना होता है इसके अंदर पर्दा। ठीक है, जो दोस्त भाई मेरे साथ अपना रबते में रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उनके साथ मैं ये शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों लाजमी बताइएगा। अब ये देखें, ये जो पानी तैयार हो गया ना, ये अब इसमें से हमने क्या करना है, 5 cc ये पानी लेना है और कबूतर को हमने अभी तकरीबन 7:30 बजे 8 बजे अपना दे देना है,
7 बजे 8 बजे के दरमियान ये पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिस दोस्त भाई को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वीडियो दिलचस्प वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।